बिना गैस चलाए आज ऐसी मिठाई बनाएंगे जो कि शुगर वाले मरीज बहुत आसानी से खा सकते हैं। साथ में ये हमारा पेट भी ठंडा रखेगा, गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट चना और गुड़ है। ये चना बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, इसके में छिलका नहीं होता और हल्का से ये भुना हुआ होता है। तो आधा कप हम चना लेंगे और एक चौथाई कप मैंने मूंगफली ली है। ये मूंगफली हल्की सी भुनी हुई है और छिलका मैंने हटा दिया था इसका। साथ में एक चौथाई कप ही हम गरी डालेंगे और थोड़े से मेवे भी डाल सकते हैं, तो काजू और बादाम को मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी और ग्राइंड करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे और फिर मिठाई को बना लेंगे। क्योंकि ये गुड़ और चना से बना है तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हर जगह बोला जाता है कि चना और गुड़ खाना चाहिए, पूजा वगैरह में भी गुड़ चना का प्रसाद लगता है। तो ये हमारा जो पाउडर बना है, अगर ये थोड़ा भी मोटा लगता है तो हम इसको एक बारी चाल लेंगे और फिर यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो हम एक बड़े बर्तन में इसको पलट लेते हैं और इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे तो मिठाई का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और अब हम गुड़ को तैयार कर लेते हैं। तो अगर गुड़ का जो पाउडर आता है, जैगरी पाउडर, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ये बड़ा टुकड़ा था तो मैंने इसको ही ग्रेट कर लिया है और आधा कप मुझे डालना था तो इसको नाप लेते हैं एक बारी। और ये बिल्कुल इतना ही आधा कप है, तो एक ही गुड़ को मैंने घसा और फिर इसमें डाल दिया है। अब बाइंडिंग देने के लिए हम घर की फ्रेश मलाई को यूज़ करेंगे। एकदम ताज़ी मलाई होनी चाहिए, आज के ये दूध की निकली हुई मलाई है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और शुरू में 2 चम्मच ही डालते हैं और अच्छे से इसको एक बारी मिक्स करके देखते हैं। तो हाथों से हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और अगर कम लगेगा तो हम थोड़ी सी मलाई और डाल देंगे। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह हम फ्रेश वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है। और आप देखिए अब इसकी बाइंडिंग बिल्कुल मिठाई के जैसी हो गई है, जैसे मावा होता है। तो इसको आप शेप देने के लिए एक ट्रे में या तश्तरी में फॉइल पेपर लगा दें और फॉइल पेपर के ऊपर भी हम हल्की सी देसी घी लगा देंगे जिससे कि मिठाई बाद में चिपकेगी नहीं। और फिर इसमें अब हम ये मिठाई का जो हमारा डो है इसको फैला देते हैं। हाथों से अच्छे से इसको फैला देंगे और चिकना करने के लिए मैंने स्पैचुला यूज़ किया है। और फिर ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट और तवक वगैरह से और मिठाई तैयार हो जाएगी। इसको बनाने में मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगा है और ये बहुत हेल्दी मिठाई बनी है। तो अब बिल्कुल गिल्ट फ्री होके ये मिठाई खा सकते हैं। और इसमें तवक लगा दिया जाए अब और थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको कट करेंगे। तवक थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है और तवक हमेशा कोई चीज़ किताब वगैरह के बीच में दबा के ही रखना चाहिए जिससे ये सीधा रहे और लगाने के टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऊपर से कुछ धागे केसर के डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फिर इसके बाद कट कर लेते हैं। आप इसको अपने मनपसंद हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो वैसा काट सकते हैं। मैंने इसको पतला पतला कट किया है, बहुत ही टेस्टी बनी थी और गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिस्किट वगैरह हम लोग खाते हैं ज़्यादा गर्मी में जब प्यास लगती है, तो ये मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।